तो ड्यूएल फॉर्म आपको कैसा मिलेगा तो जो भी एंड और है, उनको रिप्लेस कर दो मतलब अगर एंड है तो उसकी जगह और डाल दो अगर और है तो उसकी जगह एंड डाल दो ठीक है देन अगर क्वेश्चन में सी है सी का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन था सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो हम लोगों ने अभी देखा कि आ, अगर सारे वैल्यूज फॉल्स होते हैं तो उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम लोग कॉन्ट्रेडिक्शन बोलते हैं तो अगर आपके स्टेटमेंट में सी इन्वॉल्व है तो उसकी जगह उसको टी कर दो और अगर टी है तो उसको सी कर दो मतलब कॉन्ट्रेडिक्शन को टोटोलॉजी और टोटोलॉजी को कॉन्ट्रडिक्शन देन अगर ट्रू होगा स्टेटमेंट में कहीं ट्रू तो उसकी जगह फॉल्स करो और फॉल्स होगा तो उसकी जगह ट्रू करो ये कन्वर्ट करने से जो मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ड्यूएल ठीक है दैट विल बी कॉल्ड एज ड्यूएल करने का पर्पस कुछ नहीं सिर्फ मार्क्स ठीक है उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है उसका कोई भी एप्लीकेशन नहीं है ठीक है हम लोग को ड्यूएल का कोई कोई पर्पस ही नहीं है तो सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि वी नीड टू कन्वर्ट दिस तो यहां आपको रूल्स दिए हैं, रिप्लेसिंग एंड बाय और और बाय एंड C by T, T by C, T by F, F by T, ठीक है Now प्लीज नोट दिस स्मॉल C और स्मॉल T मतलब contradiction और tautology। कैपिटल T एंड कैपिटल F इज एक्चुअली ट्रू एंड फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स ठीक है अच्छा ये पूरे इसमें कहीं भी अपन नेगेशन को हाथ नहीं लगा रहे नेगेशन को हाथ नहीं लगा रहे नेगेशन नहीं बदलना है मतलब वॉट वी आर गेटिंग नेगेशन सिर्फ एंड और सी टी ठीक है और टी एफ ये रिप्लेस कर रहे हैं अपन नेगेशन को बिल्कुल टच नहीं करना जैसा है वैसा रहने दो ठीक है नो प्रॉब्लम विद इट फाइन फिर आपको नीचे नोट्स दिए हैं एक पहला ड्यूएल ऑफ अ स्टेटमेंट इज यूनिक एक स्टेटमेंट का एक ही ड्यूएल रहेगा उसके मल्टीपल ड्यूएल्स नहीं बन सकते हैं दूसरा नेगेशन के सिंबल को हाथ नहीं लगाना नेगेशन जैसा है वैसा छोड़ दो ठीक है अगर ड्यूएल का ड्यूएल निकाला तो ऑब्वियसली विल गेट दी ओरिजिनल स्टेटमेंट ड्यूएल का ड्यूएल इज द स्टेटमेंट इट ठीक है मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टेटमेंट है पी और क्यू और आर ये स्टेटमेंट पैटर्न है मुझे अगर इसका ड्यूएल चाहिए तो ड्यूएल कैसा मिलेगा और की जगह एंड रिप्लेस करना पड़ेगा तो ड्यूएल विल बी पी एंड क्यू एंड आर ये बन गया ड्यूएल ये स्टेटमेंट था ये ड्यूएल बस इतना ही ड्यूएल ठीक है तो इसमें अगर मैंने वापस इसका ड्यूएल निकाला इसका ड्यूएल निकाला तो वो ऑब्वियसली ये बनेगा पी और क्यू आर आर ठीक है तो स्टेटमेंट का ड्यूएल ये यूनिक रहता है और ड्यूएल का ड्यूएल इज द स्टेटमेंट इट सेल्फ फोर्थ द कनेक्टिव्स एंड और स्पेशल टी सी आर कॉल्ड एज ड्यूएल एंड और और एक दूसरे के ड्यूएल है और टी और सी ये एक दूसरे के ड्यूएल है ठीक है अच्छा ये सब नोट जो है दीज आर आ, इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परिवरी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है प्रैक्टिकल सॉल्विंग में नॉर्मली ये सब इन्वॉल्व नहीं होगा स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का ड्यूएल लिखना है अब इस स्टेटमेंट का जब आपको ड्यूएल लिखना है ठीक है तो आपको चीजें रिप्लेस करनी पड़ेगी विल राइट द ड्यूएल इज द ड्यूएल इज अब ये स्टेटमेंट में नेगेशन को हाथ नहीं लगाना जैसा है वैसा छोड़ दो ठीक है तो व्हाट विल बी द ड्यूएल द ड्यूएल इज मैं आंसर थोड़ा बाजू में लिख रहा हूं ताकि वो एक के नीचे एक दिखे नेगेशन ऑफ नेगेशन ऑफ की जगह so, become और एंड की जगह or, और टी की जगह become सी एंड की जगह और फिर बीच में वापस और है तो so, or की जगह become एंड और की जगह एंड देन नेगेशन क्यू एज इट इज negation क्यू एंड की जगह अगेन इट विल बिकम और और नेगेशन नेगेशन सी सी की जगह इट विल बिकम नेगेशन टी इट विल बिकम नेगेशन तो हम लोग क्या क्या चेंज कर रहे हैं वो ध्यान में रखो हम लोग एंड चेंज कर रहे टी चेंज कर रहे और चेंज कर रहे फिर एंड चेंज कर रहे और सी चेंज किया हम लोगों ने निगेशन को हाथ नहीं लगाया तो भी आपका काम आपकी बुक में मतलब वीडियो पॉज करके आपकी बुक में हेडिंग डालो ड्यूवेल ऑफ अ स्टेटमेंट और उसके नीचे ये एग्जाम्पल पूरा लिख के रखो ये एग्जाम्पल आपके पास लिख के रखो ठीक है फाइन देन मूविंग टू दी एक्सरसाइज एक्सरसाइज वन पॉइंट सेवन फर्स्ट क्वेश्चन इज टू राइट द ड्यूएल ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग इट इज टू राइट द ड्यूएल ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है एक एक ड्यूएल लिखना है तो विल स्टार्ट सॉल्विंग यहां आ जाएगा एक्सरसाइज वन पॉइंट सेवन फर्स्ट का फर्स्ट ठीक है वी विल राइट द क्वेश्चन फर्स्ट जैसे हम लोग ट्रूथ टेबल के साथ कर लेते हैं पहले क्वेश्चन लेके फिर ट्रूथ टेबल बना लेते हैं यहां भी हम लोग वैसे ही करेंगे पहले क्वेश्चन लेके फिर उसका ड्यूअल फाइन करेंगे ठीक है द क्वेश्चन इज पी और क्यू ब्रैकेट में एंड देन और आर पी और क्यू और आर दिस इज द क्वेश्चन तो विल स्टार्ट द आंसर एज द ड्यूएल इज ड्यूएल इज जितने भी और है उसकी जगह एंड हो जाएगा तो यह हो जाएगा पी एंड क्यू एंड आर पी एंड क्यू एंड आर बस इतना ही आंसर है ओ, और कुछ नहीं है इसमें ठीक है दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन second map it is negation of p or q negation of p or q and p or p or negation of q and negation r ठीक है थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है बट कोई फर्क नहीं पड़ता विल से द ड्यूएल इज द ड्यूएल इज ठीक है अच्छा प्रेफरेबली जैसा क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे एज इट इज उसका आंसर लिखो तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू जज की क्या क्या चेंज हो रहा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल नाउ माई क्वेश्चन इज हियर तो मेरा आंसर में उसके नीचे आसपास सेम लेवल पे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं इट विल बी नेगेशन ऑफ नेगेशन ऑफ नाउ इट इज पी और क्यू दैट विल बिकम पी एंड क्यू दैट विल बिकम पी एंड क्यू फिर यहां पे एंड है एंड की जगह इट विल बिकम और इट विल बिकम और फिर पी और दैट बिकम्स पी एंड नेगेशन ऑफ फिर अपने पास है क्यू एंड नेगेशन आर तो इट विल बिकम क्यू और नेगेशन आर ठीक है जहां भी एंड था वहां और डाल दिया जहां और था वहां एंड डाल दिया ठीक है दिस इज क्वेश्चन सेकेंड मतलब फर्स्ट का सेकेंड ठीक है देन क्वेश्चन थर्ड गिवन इज पी और क्यू और आर पी और क्यू और आर इज इक्वीव टू पी और क्यू और आर ठीक है अब क्वेश्चन में एक्चुअली आपको दो स्टेटमेंट पैटर्न्स इक्वेट करके दिए ठीक है पी और क्यू और आर सेम एज और क्यू और आर यह आपको इक्वेट करके दिया है फाइन अब जब ये इक्वेट करके दिया है तो इसका ड्यूएल में भी रूल अप्लाइड विल बी एब्सोल्युटली सेम कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में भी दो इक्वेशन बनेंगे आंसर में भी दो इक्वेशन बनेंगे विल से द ड्यूएल इज द ड्यूएल इज इट विल बिकम पी एंड Q and R is equivalent to P and Q and R. जैसा क्वेश्चन है वैसा का वैसा आंसर आएगा सिर्फ और की जगह इट विल बी एंड ठीक है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेटमेंट अकेला है या दो चीज इक्वेट करके दी है उससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ना है दिस इज थर्ट then fourth is negation of p and q negation of p and q is given as negation p or negation q take okay, it this is the question again the dual is नेगेशन ऑफ जो पी एंड क्यू है दैट विल बिकम प्योर क्यू और नेगेशन पी और नेगेशन क्यू जो है दैट बिकम्स नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू सेम लॉजिक और की जगह एंड एंड की जगह और ठीक है ये होता है अपना क्वेश्चन फर्स्ट पूरा ठीक है अब इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं एड कर रहा हूं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं एड कर रहा हूं व्हाट इफ मतलब उसको आप फर्स्ट का फिफ्थ मान लीजिए मुझे ड्यूएल निकालना है ऑफ P implies Q. एक्चुअली एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दो उसको मुझे ड्यूएल निकालना है ऑफ P इंप्लाइज Q. इसका ड्यूएल चाहिए ठीक है तो द क्वेश्चन इज P इंप्लाइज Q. मतलब आपको चाहिए तो आप आपके क्वेश्चन सेट में यहाँ पे पांचवा एड कर सकते हो इट इज P इंप्लाइज Q. अब यहां तो एंड और कुछ भी नहीं है एंड और सी टी कुछ भी नहीं है बदलने के लिए ठीक है तो पी एम्प्लॉज क्यू का डिवेल uh, कैसा निकालेंगे ये सोचना नाउ इफ यू रिमेंबर ऑब्वियसली देर आर लेस चांसेस टू रिमेंबर क्योंकि अब तक उसका यूज नहीं आया है लेकिन हम लोगों ने पी एम्प्लॉयज क्यू को किसी चीज में कन्वर्ट किया था हम लोगों ने किसी चीज में कन्वर्ट किया था इफ आई गो बैक अपने सिक्स एक्सरसाइज के पहले मैंने आपसे लॉजिकल इक्विवेलेंस में ये एक एग्जाम्पल लिखवाया था और मैंने वहाँ लिखवाया था कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस उस एग्जाम्पल में जो रिलेशन दिया है पी इंप्लाइज क्यू इज व्हाट ये रिलेशन हमारे बहुत काम आएगा अभी ठीक है मतलब सेवेंथ एट नाइन्थ तीनों एक्सरसाइज में ये रिलेशन काम आएगा वट इज पी इंप्लाइज क्यू इट इज नेगेशन पी और क्यू हम लोगों ने ट्रूथ टेबल बना के प्रूव भी किया था ट्रूथ टेबल बना के हम लोगों ने एक्चुअली देखा था कि पी इम्प्लाइज क्यू और नेगेशन पी और क्यू इसका ट्रूथ वैल्यू सेम आता है नाउ विल बी यूजिंग दिस रिलेशन विल बी यूजिंग दिस रिलेशन ठीक है तो पी इंप्लाइज क्यू का मतलब क्या है बिल्कुल याद करके रख लेना इट इज नेगेशन पी और क्यू इट इज नेगेशन पी और क्यू ठीक है तो अभी कमिंग हियर P इंप्लाइज Q का मतलब है नेगेशन P और क्यू किधर से आया पेज लेवन के एग्जाम्पल से आया ठीक है नाउ वील फर्स्ट राइट इट एज वी नो दैट पी इंप्लाइज क्यू इज इक्वीव टू नेगेशन पी और क्यू पी इंप्लाइज क्यू का मतलब है नेगेशन पी और क्यू नेगेशन पी और क्यू इसका ड्यूएल मिल सकता है इसका ड्यूएल तो हमको आता ही है निकालते हैं बराबर है इसका ड्यूएल क्या आएगा तो विल से देर फोर द ड्यूएल इज द ड्यूएल विल बी वॉट विल बी नेगेशन पी एंड क्यू विल बी नेगेशन पी एंड क्यू तो ये जो पी इम्प्लेस क्यू है इसका फॉर्म बदलना पड़ेगा ठीक है इसका फॉर्म ये फॉर्म में लाना पड़ेगा नेगेशन P और Q के फॉर्म में लाना पड़ेगा फिर वी कैन फाइंड आउट दूल वी कैन फाइंड आउट द ड्यूएल ठीक है ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहला ठीक है दो होने वाले हैं दिस इज द फर्स्ट वन ये आपके पास लिख के रखो आपकी बुक्स में एंड ये भी लिख के रखना क्योंकि बाद में ऑब्वियसली आपको याद तो रहेगा नहीं कि पी इम्प्लाइस क्यू का नेगेशन पी और क्यू हुआ कहां से ठीक है तो वो रीजन लिख के रखो कि ये पेज इलेवन पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल कभी तो भी जिंदगी में सॉल्व किया था जो अब काम आ रहा है बोलते जिंदगी में पढ़ा हुआ कुछ भी वेस्ट नहीं होता बस वैसा ही सीन है किधर कि चीज किधर भी काम आता है दिस इज फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में सेकेंड वॉट इफ वी नीड द ड्यूएल ऑफ पी डबल implies q, p डबल implies q. अगर क्यूरियस नेचर के हो तो पॉज करो ऊपर जाओ ढूंढो और वापस आके सॉल्व करने की कोशिश करो और अगर क्यूरियस नेचर के नहीं हो तो सुन लो चुपचाप ना p डबल इंप्लाइज q का अगेन हम लोगों ने जो मतलब देखा था p डबल इंप्लाइज q अगर आप इसको सिक्स एक्सरसाइज में ढूंढ रहे हो तो हम लोगों ने यह चीज़ वहां नहीं डिस्कस करी है। इसको आपको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा ठीक है गोइंग बैक टू द फोर्थ एक्सरसाइज फोर्थ एक्सरसाइज के पहले हम लोगों ने जहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन पढ़ा था ठीक है दिस वॉज डबल इम्प्लीकेशन वहां पे हम लोगों ने डबल इम्प्लीकेशन का एक फॉर्म देखा था ठीक है यहां पे हम लोगों ने देखा था अदर फॉर्म्स ऑफ पी डबल इंप्लॉइज क्यू आर पी डबल इंप्लॉइज क्यू का एक और फॉर्म देखा है इट इज पी एम्प्लॉइज क्यू एंड क्यू एम्प्लॉय पी ये एक और फॉर्म हम लोगों ने देखा है ठीक है अगेन कहां का चीज किधर तो भी जाके यूज करने वाले हैं हम तो अदर फॉर्म्स ऑफ पी डबल इंप्लॉइज क्यू इज पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू एम्प्लाइज पी ये यूज करने वाले हैं हम ठीक है कमिंग बैक टू आरथिंग ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है पी डबल एम्प्लॉइज क्यू का वैल्यू क्या है इट इज पी एम्प्लाइज क्यू एंड क्यू एम्प्लाइज पी ये वैल्यू है उसका ठीक है किधर से आया पेज सेवन के नोट में दिया है पेज सेवन के नोट में दिया है ठीक है ये तो हुआ लेकिन ये अभी भी इंप्लीकेशन के फॉर्म में है ये अभी भी इंप्लीकेशन के फॉर्म में है हमको ड्यूएल चाहिए ड्यूएल में हम लोग एंड और सी टी इसको बदलते हैं ठीक है अभी भी ये एम्प्लीकेशन के फॉर्म में है तो हम लोगों को पिछला रूल वापस यूज करना पड़ेगा पिछला रूल वापस यूज करना पड़ेगा तो यहां पर uh, मैं आंसर में उसको लिख रहा हूं वी नो दैट वी नो दैट पी डबल इंप्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी एम्प्लॉज क्यू

फिर बीच में एंड है ठीक है अब तक हमने ड्यूएल नहीं निकाला है अब तक तो हम सिर्फ स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ड्यूएल तो देखेंगे एंड में जब सब कुछ एंड और में दिखेगा तब ड्यूएल की सोचेंगे अभी कुछ नहीं ठीक है तो अगर p इंप्लाइज़ क्यू ये नेगेशन पी और q है तो लॉजिकली q इंप्लाइज p ये क्या आएगा ठीक है आप लोग होशार हो दिस विल बिकम नेगेशन क्यू और पी नेगेशन क्यू और पी अगर पी इंप्लाइज क्यू ये नेगेशन पी और क्यू है तो ऑब्वियसली क्यू इंप्लाइज पी ये नेगेशन क्यू और पी हो जाएगा तो यहां पे क्यू इंप्लाइज पी की जगह आई कैन राइट नेगेशन क्यू और पी नेगेशन Q और पी अब तक सिर्फ स्टेटमेंट सिंप्लीफाई हुआ है ड्यूएल हम लोग अब निकालेंगे विल से देर फोर द ड्यूएल इज अब इस स्टेटमेंट का ड्यूएल निकालो इस स्टेटमेंट का ड्यूएल निकालो क्योंकि हम लोगों ने स्टेटमेंट का फॉर्म चेंज किया है ठीक है बेसिकली उसी स्टेटमेंट को अलग फॉर्म में लिखा है तो इस फॉर्म का ड्यूएल निकालो ये जो लास्ट फॉर्म है तो इस पार्ट का ड्यूएल क्या आएगा तो इट विल बिकम नेगेशन पी एंड क्यू नेगेशन पी एंड क्यू ये पार्ट हो जाएगा और एंड दिस विल बिकम नेगेशन क्यू एंड पी तो हम लोग जो ड्यूएल निकाल रहे हैं बेसिकली इसका ड्यूएल निकाल रहे हैं विच इज सेम एज पी डबल इंप्लाइज क्यू सिर्फ फॉर्म अलग है सिर्फ फॉर्म अलग है तो दिस बिकम्स द ड्यूएल ऑफ डबल इंप्लीकेशन पी डबल इंप्लाइज क्यू ठीक है तो ये दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये दो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिकॉज रूटीन नहीं है सीधा एंड और नहीं दिखता है यहां पर आपको पहले फॉर्म चेंज करना पड़ेगा फिर ड्यूएल निकालना पड़ेगा तो ये जो दो फॉर्म्स है ये दो फॉर्म्स आपको याद करना है, एब्सोल्युटली एसेंशियल है एब्सोल्युटली जरूरी है पहला फॉर्म पी एम्प्लाइज क्यू का पी एम्प्लाइज क्यू इज नेगेशन पी और क्यू दूसरा फॉर्म पी डबल इंप्लाइज क्यू का डबल इंप्लाइज क्यू इज पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू एम्प्लॉयज पी जिसको और आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है इंप्लीकेशन का फॉर्म डाल के ठीक है पी इंप्लाइज क्यू का फॉर्म डाल के ठीक है तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपके ये दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुए एक पी इंप्लाइज क्यू एंड पी डबल इंप्लाइज क्यू P implies Q and P double implies Q. Okay, so these are extra questions for first. Now, moving on to question second. Question second. बड़ी सेकेंड क्वेश्चन राइट द ड्यूएल स्टेटमेंट ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है का dual निकालना है, अगेन है मतलब हम लोग क्या करते हैं एंड का और, और का यही करना है तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज 13 इज अ प्राइम नंबर एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ड्यूएल निकालना है तो so क्या करोगे सिर्फ एंड के बदले राइट इट एज और यू विल राइट इट एज और ठीक है तो दैट बिकम्स वॉट थर्टीन इज अ प्राइम नंबर और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ठीक है अच्छा इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है लिखने में कोई सेंस नहीं है ठीक है तो विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट द आंसर एज द ड्यूएल इज आपने पिछले क्वेश्चन में भी अगर क्वेश्चन नहीं लिखा तो चलता है वो क्वेश्चन लिखना नहीं लिखना हमारी कन्वीनियंस के लिए है। ठीक है ये जो ऊपर के क्वेश्चन थे इनमें आपको एग्जैक्टली exactly क्वेश्चन देख के सिमिलरली नीचे लिखने में आसानी होती है ये टाइप के क्वेश्चन में इसीलिए आई प्रेफर राइटिंग द क्वेश्चन ताकि उसको देख के एग्जैक्ट नीचे चेंज करते आए यहां पे वैसा कुछ नहीं है वर्ड फॉर्म है आपने सीधा अगर क्वेश्चन पेपर में से देख के लिखा तो भी चलता है प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो बिल से थर्टीन इज प्राइम नंबर और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री थर्टीन इज प्राइम नंबर और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ये हुआ अपना फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट ड्यूएल ऑफ अ स्टेटमेंट सेकंड करीना इज वेरी गुड ठीक है अच्छा करीना इज वेरी गुड और एवरीबडी हर और की जगह विल राइट इट एज एंड विल राइट इट एज करीना इज वेरी गुड एंड एवरीबडी लाइक्स हर तो जो सेकेंड है उसके लिए विल राइट द ड्यूएल इज द ड्यूएल इज करीना इज वेरी गुड एंड एवरीबडी लाइक्स हर ठीक है दैट बिकम्स द ड्यूअल अच्छा जस्ट टू क्लियर द डाउट्स ये क्वेश्चंस मेरे नहीं है ये क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के हैं ठीक है हा जस्ट टू क्लियर इट ना दिस इज सेकेंड का सेकेंड देकेंड का थर्ड राधा एंड सुष्मिता कैनॉट रीड उर्दू अगेन नॉट को हाथ नहीं लगाना है इस पार्ट को कुछ हाथ नहीं लगाना हम लोगों ने ऊपर भी नेगेशन को हाथ नहीं लगाया ड्यूएल में ड्यूएल निकालते वक्त नेगेशन को हाथ नहीं लगाया ठीक है तो यहां भी कैनॉट को कुछ नहीं करना है सिर्फ राधा एंड सुष्मिता की जगह इट विल बिकम राधा और सुष्मिता कैनॉट रीड विल से द ड्यूएल द ड्यूएल राधा और सुष्मिता

इज नॉन नेगेटिव ठीक है सिर्फ यहां पे एंड की जगह विल रिप्लेस इट एज़ और तो वो हो जाएगा अ नंबर इज रियल नंबर और द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव तो विल से द ड्यूएल इज द ड्यूएल इज अ नंबर इज रियल नंबर a number is real number and the square of the number is non-negative and the square of the number is non-negative तो दिस इज फोर्थ ठीक है सॉरी मैंने एंड का एंड ही रख दिया नहीं 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 ये गलत है इट इट बिकम्स और तो ड्यूअल किया ही नहीं आपने स्टेटमेंट ही लिख दिया मैंने नंबर इज रियल नंबर हाँ ठीक है जो लोग भी यहाँ पे देख के लिख रहे हैं वो ध्यान में रखो यहाँ पे एंड नहीं था यहाँ पे और था मैंने स्टेटमेंट का स्टेटमेंट एज इट इज फॉर्म फॉर्म में कॉपी कर दिया फाइन तो ये हुए आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर दिस ये आपका फिफ्थ वाला होगा ठीक है अब आपको क्वेश्चन obviously the statement is if there is a will then there is a way if there is a will then there is a way ठीक है, तो इसका ड्यूएल करना है इसका ड्यूएल बनाना है अगेन वट फॉर्म इज दिस इफ देर इज अ विल, देन देर इज अ वे दिस फॉर्म इज पी इंप्लाइज क्यू दिस फॉर्म इज पी इंप्लाइज क्यू तो यहां पर अब आपको यह पूरा पार्ट सिंबलिक फॉर्म में करके कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा मतलब लेट पी बी द स्टेटमेंट There is a will. Q will be the statement. There is a way. What will be the symbolic form of this statement? Therefore, we will say symbolic form. Symbolic form of given statement is. Symbolic form of given statement is it will be P. इंप्लाइज क्यू पी इंप्लाइज क्यू मतलब इफ पी देन क्यू विच विल बी सेम एज विच विल बी सेम एज अगेन पी इंप्लाइज क्यू का ड्यूएल स्ट्रेट नहीं निकलेगा आपको पी इंप्लाइज क्यू का फॉर्म चेंज करना पड़ेगा फिर उसका ड्यूएल निकलेगा तो पी एम्प्लाइज क्यू इज इक्वी वैलेंट टू वट इट इज इक्वी वैलेंट टू नेगेशन पी और क्यू इट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी और क्यू इक्विवेलेंट है अब तक ड्यूएल की बात ही नहीं करी अपन ने ठीक है अब तक सिर्फ स्टेटमेंट का फॉर्म बनाया है इट वॉज पी इम्प्लाइज क्यू विच इज नेगेशन पी और क्यू इक्वी ड्यूएल अब निकालना पड़ेगा आपको तो विल से देर फोर द ड्यूएल इज देर फोर द ड्यूएल इज अब नेगेशन पी और क्यू का ड्यूएल क्या आएगा इट विल बी नेगेशन पी एंड क्यू विल बी नेगेशन पी एंड क्यू लेकिन क्योंकि अपने को क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में पूछा है सिंबलिक फॉर्म तो में नहीं तो आंसर भी वर्ड फॉर्म में रहेगा सिंबलिक फॉर्म में नहीं तो इसका वर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा आपको तो विल we'll से

there is no will and there is a way there is no will and there is a way this becomes the final answer this becomes the final answer This is a statement of the final dual statement dual basically answer hai. ठीक है अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि ओरिजिनल स्टेटमेंट में मतलब ये जो स्टेटमेंट है इफ देर इज अ विल उसमें देन नहीं है उसमें देन नहीं है कौन है ठीक है यहां पे अगर देन नहीं होता वो एक्चुअली ही है कि इफ देर इज अ विल देर इज अ वे देन नहीं है तो अगर मैं यहां से देन हटा दूं तो भी कुछ नहीं बदलता द मीनिंग इज स्टिल सेम ठीक है अगर छा है तो राह है उसका मतलब अभी भी वही है चाहे देन लगाओ या नहीं लगाओ इट विल स्टिल बी एन इंप्लीकेशन ठीक है इट विल स्टिल बी पी इंप्लाइज क्यू विथ देन विदाउट देन ठीक है तो वहां पे अगर देन नहीं भी लिखते फर्क नहीं पड़ता था तो दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिफ्थ वाला एक और सिक्स्थ वाला इंडिया विल प्रोग्रेस If and only if the youth is educated, India will progress. If and only if the youth is educated. Nothing about moral science, it is all about logic. Iska dual nikalna इस स्टेटमेंट का ड्यूएल निकालना है अगेन फॉलोइंग द सिमिलर पैटर्न जो हम लोगों ने ऊपर किया था डबल इम्प्लीकेशन के लिए सिर्फ आपको यहां पे पहले सिम्बलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको बदल के फिर ड्यूएल निकालना है ठीक है एंड आपको खुशी होगी जान के कि आई एम लिविंग दिस आउट एज यू फॉर होमवर्क थोड़ा दिमाग चलाओ देखो क्या आता है आंसर ठीक है इसका आंसर आई वॉन्ट बी गिविंग आउट ऑन व्हाट्सएप आई विल बी गिविंग आउट इन द नेक्स्ट लेक्चर ठीक है अगले लेक्चर के स्टार्टिंग में पहले मैं इसका आंसर दे दूंगा तब तक सोच के रखिए आपके आंसर्स निकाल के रखिए ठीक है तो हम लोग आज अभी यहां तक कर रहे हैं इसके आगे का पार्ट देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू